हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रॉफिट मार्ट। इंडिया में कोई भी फेस्टिवल हो या फिर ओकेजन हो, गोल्ड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वेल, द ग्रेट न्यूज़ इज़ दैट इंडिया में जो गोल्ड इम्पोर्ट्स है वो जून 2022 में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी के बारे में बात करेंगे। सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर एडियो, लेट्स क्विकली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। पिछले साल के कंपैरिजन में गोल्ड इंपोर्ट जो है वो 49 टन तक पहुंच गए हैं, और इस साल गोल्ड रेट्स कम होने की वजह से सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इवन काफ़ी सारे ज्वेलर्स ने अक्षय तृतीया के बाद, एक प्रॉफिटेबल सेल के बाद, गोल्ड स्टॉक्स भी इंक्रीज किए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, पिछले साल का जो गोल्ड इम्पोर्ट है वो $969 मिलियन था, जो 2022 में बढ़कर ऑलमोस्ट $2.61 बिलियन तक पहुँच गया है। और इस साल का जो मई का ग्रोथ है वो 789% है, विच इज $6 मिलियन। अब एक प्रॉब्लम ऐसा है कि करेंटली इंडिया के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर है। तो अब इससे गोल्ड इंपोर्ट्स का क्या रिलेशन है? तो अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ट्रेड इम्बैलेंस होने के चांसेस है। इसीलिए एनालिस्ट का ये कहना है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि जो करंट इम्पोर्ट ड्यूटी है जो कि 10.75% है, उसे बढ़ाकर 15% किया जाए। तो अगर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी होती है तो इससे करंट अकाउंट्स पर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। पेट्रोलियम और कोल इम्पोर्ट्स बढ़ने के साथ साथ जो गोल्ड इम्पोर्ट्स है वो बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट एक नया रिकॉर्ड हिट करेगा। यानी कि जून में ट्रेड डेफिसिट जो है वो, उसका परसेंटेज अगर हम देखें तो वो 25.6 बिलियन तक पहुँच गया है। अब रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे उसके वजह से जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस है वो मार्च तक इंक्रीज ही हो रहे थे, लेकिन सिंस अप्रैल द गोल्ड रेट्स आर फॉलिंग डाउन। इवन कुछ एनालिस्ट के हिसाब से अहमदाबाद में मार्च 9 तक जो गोल्ड प्राइसेस थे वो 54,062 रुपीज़ थे पर ग्राम, लेकिन करेंटली जो गोल्ड प्राइस है इट इज़ 52,164 रुपीज़ पर 10 ग्राम। मार्च में गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल गोल्ड डिमांड थी वो काफ़ी डिप्रेस थी, लेकिन अब एनालिस्ट का ये कहना है कि फिलहाल कंज्यूमर्स इसलिए गोल्ड बाय कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हाई इन्फ्लेशन और एलिवेटेड प्राइस प्रेशर के चांसेस है। अगर हम FY 2017 और FY 2021 के आसपास जो गोल्ड इम्पोर्ट देखें तो वो 28 बिलियन to 35 बिलियन के अराउंड ही था, लेकिन पिछले साल का जो गोल्ड इम्पोर्ट है वो $46 बिलियन था। और इस साल, ये तो पिछले साल की बात है, इस साल का जो गोल्ड इम्पोर्ट है वो 33% से इंक्रीज हुआ है। अब कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई है इसके वजह से आगे फ्यूचर में गोल्ड इम्पोर्ट्स कम हो सकते हैं और इससे स्मगलिंग इंक्रीज होने के चांसेस है इन रिटर्न। बट कंक्लूजन में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गोल्ड इम्पोर्ट्स इंक्रीज होने की वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लॉस भी है। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वट डिसीजन द गवर्नमेंट टेक्स इन फ्यूचर। So that's all for now. Thank you so much for watching. ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट भी करना इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट फॉर मोर सच वीडियोज। विल सी यू विद अ न्यू टॉपिक वेरी सून। बाय।